Hello everyone, welcome to my channel. In the last video, we have completed the part 1 of microorganism friend and foe. Now, today we will be discussing the part 2. So, let's start. पहले इसके अंदर आता है फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग क्या होती है कि तब हमारा जो फूड होता है वो किसी भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं या फिर जो टॉक्सिन्स है उनसे कंटेमिनेट हो जाता है तो उसी को हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं. और मेनली उस फूड को तब कंज्यूम कर लेते हैं, हम तब खा लेते हैं एक तरीके से. सबसे कॉमन जो सिम्टम होते हैं हमारे पास फूड पॉइजनिंग के वो होता है पेन इन द स्टमक, जिसको हम स्टमक एक्ट बोलते हैं. बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो हमारे पास जो फूड पॉइजनिंग होती है ना वो डेथ को भी कॉज करती है. नेक्स्ट कम टू फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है हमारे पास, ये फूड की इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास कुछ सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमारे पास जो भी हमारा कुक्ड फूड होता है उसकी लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है एक तरीके से. अब हमारे पास सर्टेन सिंपल प्रिजर्वेशन मेथड्स होते हैं जो कि हम कैरिड आउट करते हैं एट होम. सो सबसे पहले तो हम केमिकल मेथड देखते हैं. केमिकल प्रिजर्वेटिव या केमिकल मेथड्स हमारे पास यूज्ड किए जाते हैं फूड की प्रिजर्वेशन के लिए बाय फूड इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये हमें ह्यूमंस को हार्मलेस होते हैं, ये कोई हार्म नहीं पहुंचाते. सबसे पहले अगर हम केमिकल प्रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास सोडियम मेटा बाइसल्फेट आता है और सेकंड है हमारे पास सोडियम बेंजोएट. ये बेसिकली कॉमनली हम यूज़ करते हैं एज अ केमिकल प्रिजर्वेटिव. नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है यूज़ ऑफ सॉल्ट और वी कैन से कॉमन सॉल्ट. सो केमिकल नेम होता है हमारे पास सॉल्ट का सोडियम क्लोराइड, जो कि हम यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव होम्स के अंदर. वेजिटेबल जो होती है मेनली उनको हम सॉल्ट का यूज़ करके पिकल्ड करते हैं, क्योंकि जो सॉल्ट होता है ना वो हमारा एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है और जितने भी बैक्टीरिया और जितने भी फंगल सेल्स होते हैं उनको वो ख़त्म करता है, किल करता है. नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिजर्वेशन आती है वो आती है प्रिजर्वेशन बाय शुगर. शुगर जो है मेनली वो एज अ प्रिजर्वेशन यूज़ की जाती है जैम्स के अंदर, जेलीज के अंदर, स्क्वैशेस के अंदर. जो ग्रोथ होती है मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रोब्स की, वो मेनली यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, रुक जाती है बाय द यूज़ ऑफ शुगर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है. नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. विनेगर का मेनली केमिकल नेम होता है एसिटिक एसिड. बहुत सारे जो फूड की प्रिपरेशंस होती है ना, लाइक पिकल जिसको हम अचार बोलते हैं, वो मेनली प्रिजर्व्ड किया जाता है बाय एडिंग ऑयल और विनेगर टू देम. बैक्टीरिया जो होते हैं इस मीडियम के अंदर ग्रो नहीं करते. नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है इसमें वो हमारे पास आती है पैस्चराइजेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है. पैस्चराइजेशन मेनली हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो बिवरेजेज होती हैं, जो ड्रिंक्स होती हैं, उनकी सुपर हीटिंग और उनकी कूलिंग की जाती है ताकि जितने भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं, वो किल किए जा सके, ख़त्म किए जा सके. जो ये पैस्चराइजेशन प्रोसेस होता है मेनली इसका काम क्या होता है कि मेनली इट इंश्योर्स कि हमारे पास जो बिवरेजेस का टेस्ट है ना वो सही हो, लाइक मिल्क जो है डजंट गेट डिस्ट्रॉयड. नेक्स्ट आता है हमारे इसमें स्टोरेज और पैकिंग. जैसे कि हमें पता है जो ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिनको हम एयर टाइट या फिर एयर सील कंटेनर्स के अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं. तो बेसिकली इसके पीछे रीज़न क्या है, हम क्यों ऐसा करते हैं? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि हमें जो यहाँ पर बैक्टीरिया या फंगी की जो ग्रोथ होती है ना उसको प्रिवेंट करना होता है और एब्सेंस ऑफ एयर में ऐसा पॉसिबल हो पाता है. इसीलिए एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर जो ग्रोथ है हमारे पास बैक्टीरिया की, फंगी की, वो प्रिवेंट हो जाती है. नेक्स्ट आता है हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें हमें नाइट्रोजन साइकिल पढ़नी है. सो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जैसे नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, नीडेड होती है उनको. लेकिन जो ये नाइट्रोजन होती है बेसिकली ये जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली नहीं ले पाते एयर के थ्रू, क्योंकि एयर में तो प्रेजेंट है नाइट्रोजन 78% जो हमें पता है. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक एग्जांपल हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होगा, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती हैं. ये क्या करती हैं कि जो नाइट्रोजन होती है उसको एयर से ले करके नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाती है. इससे क्या होता है कि हमारी जो सॉइल होती है वो नाइट्रोजन से इनरिच हो जाती है और जो सॉइल है उसको बेसिकली फर्टाइल बना देती है. सबसे अच्छा एग्जांपल है इसमें हमारे पास राइजोबियम, जो कि एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो कि क्या करता है मेनली कि जो इसकी रूट्स होती है ना वो रूट्स में जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उनसे मेनली ये नाइट्रोजन फिक्स करता है राइजोबियम बैक्टीरिया. और काफ़ी सारे अदर प्लांट्स भी होते हैं लेग्यूम फैमिली के, हम देख सकते हैं. अब नेक्स्ट हमें इसमें पढ़ना है
नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन है हमारे पास कि द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एटमोसफेयर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। मेनली जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म और एटमोसफेयर के बीच में जो नाइट्रोजन का सर्कुलेशन हो रहा है वो हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल होती है। नाउ लेट्स सी कि क्या होती है नाइट्रोजन, कैसे काम करती है। सबसे पहले हम इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले जो नाइट्रोजन एटमोसफेयर में प्रेजेंट होती है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, वो क्या करती है इस एटमोसफेयरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है। उसके बाद जो बैक्टीरियाज होते हैं ये क्या करते हैं, ये इंटर्न जो ये नाइट्रोजन ली है अब अन्य एटमोसफेयर से, उसको ये नाइट्रोजनस कंपाउंड के अंदर फिक्स करते हैं नाइट्रोजनस बैक्टीरिया। देन क्या होता है कि तब ये नाइट्रोजनस कंपाउंड के अंदर फिक्स हो गई, देन ये जो कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन के, ये सॉइल के अंदर आ जाते हैं। अब क्या होता है सेकेंड इसके अंदर कि जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं कि जो कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के जो सॉइल में प्रेजेंट थे उसको वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं, और गैसियस एक्सचेंज से ये जो अब नाइट्रोजन ये हमारी अब नाइट्रोजन बनी है बेसिकली वो एटमॉस्फेयर को फिर से रिटर्न में मिल जाती है। नेक्स्ट क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है ना वो लाइटनिंग जो होती है ना मेनली इस नाइट्रोजन को फिक्स करती है, और इस लाइटनिंग से ये हमें डायरेक्ट जो कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के वो सॉइल में मिल जाते हैं। उसके बाद जो कंपाउंड ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारी सॉइल के अंदर इसको प्लांट ले लेते हैं, फिर फूड चेन के थ्रू ये जो प्लांट्स हैं उनसे नाइट्रोजन वो एनिमल में जाएगी, उसके बाद तब इन एनिमल्स के अंदर तब इनकी डेथ हो जाती है, तो जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है वो एक्सक्रीशन के थ्रू मेनली सॉइल के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से जो एटमोसफेयरिक नाइट्रोजन है उसका यहाँ पर रिटर्न है, और कैसे कैसे नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होती है और फिर से रिटर्न हो जाती है ये हमने इसके अंदर पढ़ा है। सो आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो ये चैप्टर है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रंट एंड फो चैप्टर सेकेंड साइंस का वो खत्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।